हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों को लर्निंग सेंटर अड्डा में। दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे की ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गई है और बहुत सारे लड़के को फॉर्म भरने में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी। इसके देखते हुए हमने एक वीडियो बनाई है ताकि बच्चे स्टूडेंट को फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, और इसको कैसे फिलअप करना है और कौन किससे सिग्नेचर कराना है। बाकी पूरी वीडियो शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा तो पूरी जानकारी हासिल कीजिए और अच्छे से भर कर जाइए और अच्छे से उसको ज्वाइनिंग कीजिए। दोस्तों, अभी 19 और 20 को ज्वाइनिंग हुआ है जिसमें 75% लड़का को रिटर्न कर दिया गया है और जिससे क्या है कि वो उनको अगला डेट मिला है, तो इसलिए आप इससे वंचित हो जाइएगा कि आगे फिर पुनः डेट मिलने के कारण आपको सीनियरिटी यानी डाउन हो जाएगा यानी पीछे की ओर चले जाएगा। इसलिए आप अच्छी तरह से भर लीजिए और ज़्यादातर बच्चे सीनियरिटी में और करेक्टर सर्टिफिकेट में गलती कर रहे हैं, तो उस गलती को आप ना करें। इसलिए ये बनाने का मकसद वीडियो यही है कि आप लोग पूर्णतः अच्छे से देख कर फिलअप करें और अच्छे से ज्वाइनिंग करें। दोस्तों, चलिए वीडियो की ओर चलते हैं, कैसे फिलअप करना है पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक और लाइक जरूर कीजिएगा। यही दोस्तों सिकंदराबाद बोर्ड ऑफिस, इसी में फोर्थ फ्लोर पर जाना है। देखेंगे दोस्तों, यही ज्वाइनिंग लेटर है और इस ज्वाइनिंग लेटर पर हम लोग कैसे फिलअप करेंगे चलते हैं। देखिए, साउथ सेंट्रल रेलवे लिखा हुआ ऊपर में, साउथ सेंट्रल रेलवे का है और ये भी सिकंदराबाद है, तो अब देखें कैसे कौन सा कैसे भरना है। दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग चेक लिस्ट में। चलिए देखिए, यही चेक लिस्ट है। चेक लिस्ट को फर्स्ट में दिया गया है एजुकेशन टीचर। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन एजुकेशनल या टेक्निकल सर्टिफिकेट। तो अब इसको क्या करना है, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ टू सेट ऑफ फोटो स्टार्ट कॉपी, फोटो स्टेट कॉपी जो है क्या करना है, दो कॉपी कार्ड लेना है दोस्तों, और दो कॉपी विथ आधार कार्ड टू कॉपी होना चाहिए और पैन कार्ड के भी कॉपी होना चाहिए, ड्यूली स्टेटेड बाय द गजेटेड ऑफिसर टू सबमिटेड। कह रहा है कि दो कॉपी पर जितनी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसकी दो कॉपी का सेट बना लेना है और सीरीज सीरियल वाइज, जैसे मैट्रिक हुआ, मैट्रिक के बाद इंटर हुआ, इंटर के बाद ग्रेजुएशन जो भी किए हैं या आईटीआई किए हैं वो सब का सीरियल वाइज करके और उसको एक गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर कराकर अटेस्टेड करा लेना है दोस्तों, और उसमें पैन कार्ड भी इंक्लूड होना चाहिए और आधार कार्ड भी। और गजेटेड ऑफिसर में कौन कौन आते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो अगर मान लेते हैं जितने भी आपका हाई स्कूल होंगे उससे भी करा सकते हैं, या आईटीआई किए होंगे उनसे करा सकते हैं, या डॉक्टर होंगे डॉक्टर से भी करा सकते हैं, या कोई भी सरकारी अफसर जो गजेटेड में यानी गजेटेड ऑफिसर में आते हैं उनसे करवा लेना है। दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे, दूसरे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये ना, उसको देखें फ़ोटो। अब 10 फोटो लेके चलेंगे, जो भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा उसको लेके चलेंगे दोस्तों। अब चलेंगे नेक्स्ट 3 नंबर, अवॉइडेड इमीडिएटली बॉन्ड। अब ज़्यादातर बच्चे को यही प्रॉब्लम हो रही है कि बॉन्ड कैसे बनाना है, तो बॉन्ड को पहले हम देखेंगे कि बॉन्ड को कैसे बनाना है, वो भी किन से बनाना है और कहाँ कहाँ किससे सिग्नेचर कराना है और क्या करना है। तो पहले हम देखेंगे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव, तो 5 नंबर देखिए, पेज नंबर 5 निकालेंगे। तो पहले पेज नंबर 5 निकाल देंगे, पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट राइट विथ, तो देखिए फर्स्ट राइट विथ है, पहले हम उसको देखिए, यही 5 नंबर पेज है। देखिए नीचे में देखेंगे पेज नंबर 5 लिखा हुआ है, पेज नंबर 5 लिखा हुआ है। अब देखेंगे इसको कैसे फिलअप करेंगे, तो उसमें लिखा था देखिए, तो फर्स्ट में क्या लिखा था, फर्स्ट राइट योर नेम, फादर्स नेम एंड योर रेसिडेंशियल और एड्रेस, और सेकंड में लिखा था व्हेन राइट योर सीनियरिटी नेम, फादर्स नेम एंड रेसिडेंशियल एड्रेस। अब देखेंगे दोस्तों, पहले फर्स्ट नेम में क्या भरेंगे, पहले अपना नाम, जिनका जिनके नाम से ज्वाइनिंग लेटर आया है उनको नाम फिलअप कर देना है, और उनके पिताजी का नाम एड्रेस फिलअप कर देना है, और एड्रेस फिलअप कर देंगे, और उसके बाद में पूरा एड्रेस फिलअप कर देगा। और सेकंड में क्या करना है, जो आपके सिक्योरिटी बने हैं उनका नाम डाल देना है, उनके फादर्स नेम डाल देना है, और ये विलेज पोस्ट और पूरा एड्रेस डाल देना है। अब इसमें और एक चीज़ लिखा गया है दोस्तों,
अब इसके नीचे जाइएगा तो देखिए यहाँ पर सिग्नेचर होगा, जो आपको सीरिटी बने हैं उनका सिग्नेचर चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर जो जो सीरिटी बना है आपके उनके सिग्नेचर चाहिए जो आपके बॉन्ड दिए हैं, और यहाँ पर जो है अपना सिग्नेचर करना है, जिसके जो जो कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर है उसी का सिग्नेचर करना है दोस्तों। अब ऊपर में आते हैं तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि उसमें कि स्पेशल एडहेसिव एडहेसिव टिकट चाहिए था, वो भी 10 रुपये का, 10 रुपये के चिपका देना है, और चिपकाने के बाद क्या करना है इसमें नोटरी से क्या करना है अटेस्टेड करा देना है, यानी सिग्नेचर मोहर कर देगा, अटेस्टेड हो जाएगा तो तभी मान होगा। अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट पेज यानी 6 नंबर पेज को देखेंगे। 6 नंबर देखिए यही पेज है, तो 6 पेज नंबर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी नेम, तो सिक्योरिटी नेम को भी क्या करें सिक्योरिटी को सिग्नेचर यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा, यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर कर देंगे, और ये दो कॉलम दिया गया है दोस्तों, ये दो कॉलम सिग्नेचर तो कह रहा है विटनेस फॉर द ट्रेनिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अब देखिए कह रहे हैं कि दो को उनके गवाह चाहिए, किन को, जिनको इस सिक्योरिटी को पहचानते हैं, जो आपके आपको बॉन्ड दिए हैं, बॉन्ड भरवाए हैं, तो उनके लिए जो उनको दो गवाह चाहिए जो उनको पहचानते हैं, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है जिनका जो कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। यानी 7 नंबर पेज यानी उसी का चल रहा है, 7 नंबर पेज देखेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भी सिक्योरिटी, तो देखिए दो गवाह है, यहाँ भी दो गवाह का सिग्नेचर करना है जो उनको पहचानते हैं, ठीक ना, वैसे गवाह चाहिए जो ये सिक्योरिटी को पहचानते हैं, जो सिक्योरिटी दिए हैं यहाँ पर आपका उनका सिग्नेचर रहेगा और डेट रहेगा। अब चलते हैं वो सिक्योरिटी में क्या क्या, देखिए दिस इज द सर्टिफिकेट डेट विद द ग्रॉस सैलरी ऑफ द, किनका ग्रॉस सैलरी दे रहे हैं सिक्योरिटी दे रहे हैं तो उनका नाम लिख देना यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ वो क्या वर्क करते हैं तो रीडर यानी रीडर होंगे या वो वकील होंगे या रेलवे ड्राइवर होंगे या स्टेशन मास्टर होंगे या वीडियो होंगे सीओ होंगे, जो भी डालना है यहाँ डाल देना है, और ऑफिस का नाम भी वहाँ पर डाल देना है। ठीक, अब नेक्स्ट डालेंगे बेसिक सैलरी उनकी कितनी है यानी बेसिक पे कितना है, तो बेसिक पे जो है वहाँ पर यहाँ पर फिलअप कर देना है, और ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी जो है नीचे जोड़कर कितना दिखा रहा है वहाँ पर फिलअप कर देना है। अब चलते हैं उनको पीएफ नंबर डालना भी है, पीएफ नंबर होता है प्रोविडेंट फंड नंबर, इनको इसको भी फिलअप करना है, और उनका आधार नंबर फिलअप करना है, और स्टेशन नियरेस्ट स्टेशन का नाम लिखना है। अब देखेंगे दोस्तों इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, यहाँ पर अब सिग्नेचर किनका कराना है तो जो सिक्योरिटी दिए हैं उनके अफसर का, जो सिक्योरिटी दे रहे हैं उनके अफसर यानी उच्च अधिकारी का सिग्नेचर और मोहर चाहिए, ये नहीं उनका नहीं चाहिए, जो सिक्योरिटी दिए उनका नहीं चाहिए, उनका सिग्नेचर और ये सब हो चुका है, ठीक ना, तो इसलिए जो सिक्योरिटी दिए उनका उच्च अधिकारी का यहाँ सिग्नेचर और मोहर चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे यहीं पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 7 नंबर लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द टू विटनेस, अभी बताएं जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉई हो विटनेस जो भी सिक्योरिटी दिए उनका दो को गवाह चाहिए वो भी सरकारी अफसर होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द पेइंग ड्राइंग ऑफिसर, देखिए यहाँ पर जो स्टैंप लगाने के बोले थे तो वो किसका चाहिए सिक्योरिटी ऑफ यानी सिग्नेचर ऑफ द पेइंग ड्राइंग ऑफिसर, जो उनको पे करते हैं भुगतान कर रहे हैं सैलरी उनका चाहिए, जैसे सिक्योरिटी सिक्योरिटी स्कूल असिस्टेंट हाई स्कूल टीचर पे ड्राइंग ऑफिसर ऑफ द हेडमास्टर, जैसे आप मान लेते हैं टीचर के देते हैं, जैसे मान लेते ये सिक्योरिटी जो है टीचर के देखते हैं एक टीचर के देते हैं, तो इनका जो पे ड्राइंग का कौन सा होगा उनके हेडमास्टर होंगे ये प्रिंसिपल होंगे, देखिए तो ये प्रोफेसर का है तो इनके सिक्योरिटी यानी उनके ऑफिसर कौन होंगे प्रिंसिपल होंगे दोस्तों। चलते हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में, अब देखें यहाँ पर 4 नंबर में लिखा हुआ है यानी सिक्योरिटी कैसा होना चाहिए जिनके 4200 पे ग्रेड से एबव होना चाहिए, सिक्योरिटी वी मस्ट स्टेट विद सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाई, यानी सिक्योरिटी वी क्या होना चाहिए सेंट्रल स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी दोनों होना चाहिए, उनके क्या क्या चाहिए फोटो चाहिए आईडी चाहिए प्रूफ एंड लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट, यानी लेटेस्ट जो सैलरी सर्टिफिकेट है उनको वो भी चाहिए विथ सील
एंड सिग्नेचर पेइंग ड्राइंग ऑफिसर, यानी उसकी जो पेइंग ड्राइंग ऑफिसर जो यहाँ पर आप सिग्नेचर कराए हैं, देखिए यहाँ पर जो सिग्नेचर कराए हैं यानी आप पेज नंबर 7 में जो यहाँ पर सिग्नेचर कराए हैं उसी तरह आप, ठीक है, यही है पे स्लिप। पे स्लिप है, इस पे स्लिप में बेसिक पे सब सब डिटेल किया जाता है और यहाँ पर ये दर्शा रहा है दोस्तों, ठीक ना। अब आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर देखिए यहाँ लिखा है करेक्टर सर्टिफिकेट, 5 नंबर में है करेक्टर सर्टिफिकेट एंड पेज नंबर 8 है। 8 को निकालते हैं, क्या लिखा है पहले इसको पढ़ लेते हैं। टू बी साइंड बाय द हेड ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट विद द स्टैम्प एंड द राउंड सील, यानी लास्ट आपका एजुकेशन जहाँ से है वहाँ से उसको कराना। आप देखेंगे उसको क्या करना है, देखिए यही है 8 नंबर पेज। 8 नंबर पेज है, इसको हम देख लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर ऊपर से नाम भर देना है, नाम भर देना है, पिता फादर्स नेम भर देना है। अब ये जो है आपको नहीं भरना है, ये भरना है आपको नहीं, वो इंस्टीट्यूट भरेगा जो आपको पहचानेगा से, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा। अब यहाँ पर नाम लिख देना है आपको। अब देखिए यहाँ पर अब लास्ट एजुकेशन है कहाँ, वहीं से कराना है। अगर मान लेते हैं आप ITI लास्ट में किए हैं तो ITI से करा सकते हैं, अगर मान लेते हैं लास्ट इंटर किए हैं तो इंटर कॉलेज से करा सकते हैं, या PG किए हैं PG करा सकते हैं, उस वक्त का डेट चाहिए। अब इसी के नीचे क्या करना है, SDO से यानी अनुमंडल पदाधिकारी इसको बोलते हैं हम लोग, SDO से क्या करना है, उसी के नीचे यानी सिग्नेचर और मोहन का रहना है, वो भी राउंड सील, यही राउंड सील है, यानी राउंड सील मैंने गोल वाला मोहर चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एंड स्टैम्प एंड राउंड सील, यानी राउंड सील लिखा हुआ है ना। चल देखिए यहाँ पर लिखा है सब कलेक्टर या सब डिविजनल ऑफिसर RDO, तो इससे भी करा सकते हैं। इसका काम क्लियर हो गया, यानी 8 नंबर पेज को आप समझ लिए पूर्णतः। अब चलते हैं नेक्स्ट, 9 नंबर पेज। 2 सर्टिफिकेट है, यानी 9 नंबर पेज को हम देखेंगे। देखिए तो 9 नंबर सर्टिफिकेट को क्या कर रहा है, टू करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 डिफरेंट गजटेड ऑफिसर, यानी 2 करेक्टर और सर्टिफिकेट बनाना है जो भी गजटेड ऑफिसर को होना चाहिए। चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए क्या है 9 नंबर पेज, यही 9 नंबर 2 चाहिए। अब देखेंगे 2 करेक्टर, देखिए एक ऊपर में दिया हुआ है और एक यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, तो दोनों को अलग अलग कराना है। देखिए ऊपर में सर्टिफिकेट नाम पाता, और अब देखेंगे नाम भर देंगे और फादर्स नेम भर देंगे, और ये जो पहचान का कितना दिन से वो बजान है आपको नहीं भरना है, वो खुद भरेंगे, जो टीचर करेंगे या प्रोफेसर को खुद चलेंगे। नाम भर देना है, यहाँ पर अटेस्टेड करा देना है, यानी गजटेड ऑफिसर वैसा गजटेड ऑफिसर, या डॉक्टर से कराइए या टीचर से कराइए या कोई गजटेड ऑफिसर से कराना है दोस्तों। और साइन मोहर कर देगा, यहाँ पर ये नहीं कि राउंड ही फिगर राउंड ही सील चाहिए, वैसा सील चलेगा। और दूसरा सर्टिफिकेट गजटेड ऑफिसर को होना चाहिए नीचे में, देखिए यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का बनाया गया है, यानी डुमराव, यानी डिवीजन ऑफिसर डुमराव के बने, यानी मेडिकल ऑफिसर है दोस्तों। नाम गांव पता उसी तरह भर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब चल लेंगे बर्थ सर्टिफिकेट में क्या क्या बना है, नाम भर देना है, फादर्स नेम भर देना है, और यहां पर डेट ऑफ बर्थ भर देना है, और वर्ड में डेट ऑफ बर्थ भर देना है। आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं, कोई ऑफिस कराना नहीं है आपको, सिकंदराबाद यानी कहीं भी वहीं पर ये सिग्नेचर होगा। अब यहाँ पर भरना होगा तो यहाँ पर नाम भर दीजिएगा, फादर्स नेम भर दीजिएगा, सिग्नेचर कैंडिडेट कर देगा और नाम कैंडिडेट भर देगा। अब मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट में नाम भर देना है और फादर्स नेम भर देना है, और मैरिड हैं या अनमैरिड है उस पर केवल टिक लगा देना है, टिक लगा के या नीचे सिग्नेचर और नाम कर देना है, और डेट यहाँ पर डाल देना है दोस्तों, डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक डिक्लेरेशन फॉर्म, एक मिनट, एक और है यहाँ पर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, जो कि रेलवे सर्विस के यहाँ पर भी करना है, वो भी गजटेड ऑफिसर से, तो पूरा फिलअप कर लीजिएगा, यानी पेज नंबर A11 है, 11 है, और इसको भी पूरी तरह से फिलअप कर लेना है, और यहाँ पर 2 मार्क्स लिख देना है, मार्क्स लिख करके और यहाँ अटेस्टेड कराना है गजटेड ऑफिसर से। यहाँ लिखा हुआ है टू बी साइंड इट द एनी गजटेड ऑफिसर, यानी 2 कोई गजटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करा लेना है दोस्तों, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। अब देखिए तो 13 नंबर पेज को देखेंगे, यही 13 नंबर पेज है,
अब देखेंगे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको भी फिलअप कर देंगे, नंबर में डाल देना और डेट डाल देना। अगर एक घर यहाँ पर भी बोर्ड ऑफिस में आप फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कोई सिग्नेचर करना है, केवल कैंडिडेट सिग्नेचर करना है, इसलिए आप पूछ कर भी कर सकते हैं, लेकिन आप कर रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं। नंबर में डालना क्या है, तो नंबर के लिए देखिए यहीं पर लिखा हुआ है ए नंबर। देखिए ज्वाइनिंग लेटर पर फर्स्ट पेज में लिखा होगा नंबर, अब यहाँ से यहाँ तक 2000 तक लिखना है, 2020 तक लिख देना है, ठीक ना। और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पर डेट कब इशू हुआ है तो डेट लिख देंगे। देखिए ऊपर में ये डेट इशू हुआ है, यहाँ पर डेट है ना, यहाँ पर डेट को इशू कर देंगे, ठीक ना। चलते हम लोग नेक्स्ट। अब पूरा पूरी हम पेज नहीं बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है भरने वाला है उसी को बता रहे हैं, ठीक ना। अब चलते अब एक लास्ट पेज में आएगा ए। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक, इसके पूरा भर दीजिएगा, भरकर इसमें एड्रेस, नाम, पता, सर नेम। देखिए यहाँ पर एक गलती हुआ है, सर नेम के जगह पर लास्ट वाला नाम यहाँ पर भरना है और नेम के जगह पर आप भरिएगा केवल नाम भरिएगा, ठीक ना। ये सर नाम हटा देना है, इसलिए ये केवल इसमें केवल यही होगा, ये नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा और इसमें ए वाला नहीं होगा, ठीक। एड्रेस उड्रेस सब भर दीजिएगा। अब आगे पेज देखेंगे, इसमें देखिए यानी कब से कब कहाँ रह रहे हैं उसका डिडक्शन देना है, पढ़कर आप भर लीजिएगा। अब ये जो है पूरा परिवार का एड्रेस है, इसको भर लीजिएगा। अब देखिए इंडियन राष्ट्रीय जन्मतिथि कितने वर्ष के हैं, मैट्रिक उत्तीर्ण कब हुए थे, जन्म पैलेस कितने कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, वो सब भर देना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे स्कूल डे यानी कब कौन किए हैं, यानी मैट्रिक कब किए हैं, किस स्कूल से किए हैं और कब से कब किए हैं, ये सब लिखना है दोस्तों। इसी को नीचे चलेंगे, कुछ नहीं है नीचे, कोई फिलअप नहीं करना है। आप देखिए केवल यस नो करना है, तो आप ज़्यादातर इसको नो करने की कोशिश कीजिएगा कि पढ़िएगा ध्यान से, आप गिरफ्तार हुए कि नहीं है, तो इसी तरह नो मरते जाइएगा। आपको दो पहचानने वाले व्यक्ति का नाम लिख देना है और यहाँ पर सिग्नेचर और डेट डाल देना है। चलते हैं, ये देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके आपसे नहीं होगा, तो क्या कीजिएगा, इसमें सात कॉलम है, इसमें से किसी व्यक्ति से आपको कराना है। जैसे यहाँ पर लिखा है केंद्र या राजपद अधिकारी या चीफ चुनाव क्षेत्र या माँ बाप अभिभावक समान मान्यता रहते हुए भी चुनाव क्षेत्र से या उपमंडली से सब डिविजनल से या तहसीलदार से मान्यता प्राप्त स्कूल से, तो ज़्यादातर बेटर होगा ब्लॉक से करा लीजिए या मान्यता प्राप्त ब्लॉक से करा लीजिए या मान्यता प्राप्त स्कूल से जो स्कूल से किए थे उसे करा लीजिए या वीडियो से करा लीजिए या पंचायत इंस्ट्रक्शंस करा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल फिलअप कर देना है, नाम पत्र फिलअप कर देना है और डेट पिताजी के नाम फिलअप कर देना है और ये जो है आपको वही भरेंगे जो अफसर से सिग्नेचर कराइएगा, तो सील और मोहर करा लेना है, यानी वैसा जो जहाँ पर ट्रेनिंग लास्ट की है उससे भी करा सकते हैं या वीडियो से करा सकते हैं, सीओ से करा सकते हैं और सब ये सब हो गए। तो अब चलते हैं, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसा लगेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर लिखा गया है, मेंशन किया गया है, कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द सब डिविजनल ऑफिसर रेन्यू डिविजनल ऑफिसर नॉट बिलो टू रैंक ऑफ तहसीलदार। तो देखिए कह रहा है कि यानी कास्ट सर्टिफिकेट वैसा होना चाहिए सब डिविजनल एसडीओ के पास होना चाहिए, एसडीओ से बना हुआ होना चाहिए, यानी अनुमंडल पदाधिकारी से बना होना चाहिए, न कि ब्लॉक से बनना होना चाहिए, यानी तहसीलदार से नहीं बनना होना चाहिए, यानी ये तहसीलदार से बना करके उस पर से उस पर अनुमंडल पदाधिकारी का सिग्नेचर मोहर होना चाहिए, वो भी राउंड सील में, राउंड सील होला ही पर मान्यता प्राप्त होगा। अब चलते हैं एक और चीज़ ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, मेक योर फोर सेट ऑफ द फोटो कॉपी जीरोक्स फिल योर ओन हैंड राइटिंग सिग्नेचर एनी गजटेड ऑफिसर। चलिए अब ध्यान देंगे, अब देखें यही जो है लास्ट पेज जो है आपका एड्रेस उड्रेस भरवाए थे, एड्रेस भरवाए थे ना, यही है इसी के चार जीरोक्स चार को सेट बनाना, किसका किसका, इसका 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 देख लीजिएगा, इसका
इसका यानी चार कॉपी में सेट बना देना आपको, और चार कॉपी में ये सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी जीरोक्स नहीं, चारों कॉपी पर अलग अलग अटेस्टेड यानी सील मोहर ओरिजिनल होना चाहिए दोस्तों। कितना लोग ज़्यादातर लड़का इसी में प्रॉब्लम हो रहा है, ये चार कॉपी में और एक क्या बॉन्ड में, सिक्योरिटी बॉन्ड में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को क्या किया गया है यानी 1920 का ज्वाइनिंग में ज़्यादातर यानी 75% ले लड़का क्या किया गया, रिटर्न हो गए हैं, उस उनको अगला डेट मिला है। इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम समाधानी नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए आप लोगों को ये बनाया गया है। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। यानी सिकंदराबाद का अलग अलग यानी पल टू पल अपडेट के लिए बने रहिए और हर एक चीज़ का सॉल्व कराते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।